नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको नौ बिंदु की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से झांसी की रानी का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो दोस्तों उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। आपको इस तरह एक 9 पॉइंट लगाने होंगे। 9 पॉइंट लगाने के बाद पहले वाले पॉइंट से आप ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इस तरह आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। ये बीच वाले पॉइंट से आप आगे की तरफ बिल्कुल भी मत जाइएगा, यहाँ तक आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक हल्का सा हाफ सर्कल यहाँ पे बनाइएगा, ये हो जाएगा हमारा। हाफ सर्कल बनाने के बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए आप यहाँ पर ऐसे पहले वाले पॉइंट के साथ मिला दीजिएगा। इसको थोड़ा सा हम और आगे की तरफ यहाँ पे हल्का सा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इस यहाँ से छोटी सी लाइन और ड्रॉ करिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ से आप बहुत ही सावधानीपूर्वक इसको डबल करिएगा। डबल करने के बाद एक लाइन आपको और ड्रॉ करना होगा और ऊपर की तरफ जाइएगा, फिर नीचे की तरफ ऐसे ले जाएंगे। और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों, आपको झांसी की रानी का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर आप ऊपर के साइड में हल्का सा सर्कल बनाते हुए अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों आपको एक यहाँ पे ऐसे सर्किल बनाना होगा। इस सर्किल को डबल करिएगा। डबल करने के बाद नीचे के साइड में एक ओवल शेप बनाइए, फिर इसके बाद एक नीचे और ओवल शेप बनाइएगा। फिर यहाँ से ध्यान से आपको देखना होगा, हाफ सर्किल बनाइएगा, फिर आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। इसी तरह आप नीचे की तरफ करिएगा, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए इस लाइन को आप आगे की तरफ मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से देखिएगा, एक हल्का सा हाफ सर्किल बनाइएगा, फिर आप ऐसे इस पॉइंट का यूज करते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐसे कर देंगे हम। अब आपको इधर से पहले वाले पॉइंट से नीचे की तरफ ये दूसरे वाले पॉइंट को मिलाना होगा। थोड़ा सा और हम ऐसे हल्का सा यहाँ पे आप अंदर की तरफ करेंगे, फिर बाहर की तरफ करते हुए इस पॉइंट को आप मिला दीजिएगा, ये नीचे वाला जो हमारा पॉइंट है। यहाँ से आप ऐसे और अंदर की तरफ आइए, हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पर लाइएगा। यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको ऐसे ऊपर की तरफ मिलाना होगा। पॉइंट से थोड़ा सा दूरी बनाते हुए यहाँ पर लाकर ऐसे मिलाइए, फिर हल्का सा स्ट्रेट लाइन बनाते हुए इसको आप बहुत ही सावधानीपूर्वक मिला देंगे। यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब देखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा यहाँ पर सर्किल बनाइए, फिर यहाँ पर डॉट लगा दीजिएगा। एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे इस पॉइंट को मिलाइएगा, फिर यहाँ से ऐसे मिलाइए, फिर नीचे की तरफ पॉइंट को मिला देंगे। इसी तरह आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे पहले आप ईयर बना दीजिएगा। ईयर बनाने के बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, एक लाइन आप यहाँ पे लाकर मिला देंगे। नीचे के साइड में छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको छोटे छोटे पॉइंट बनाने होंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आप ऐसे एक यू हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए इस यहाँ पे बना देंगे। एक छोटा सा हमारा पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद एक लाइन आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करिएगा, एक छोटी सी लाइन इधर ऐसे हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ पे आपको दोनों तरफ ड्रॉ करना होगा। नीचे के साइड में यहाँ पे ऐसे मिलाइएगा, इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक डबल करिएगा। डबल करने के बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे भी आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद दोस्तों नीचे के साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए आप यहाँ पर ऐसे इसको बना दीजिएगा। नीचे के साइड में हाफ सर्कल और बनाना होगा, फिर छोटे छोटे आप ऐसे हाफ हाफ सर्कल बनाते हुए इसको पूरा आप ऐसे कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद अब आप देखिएगा, यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइएगा। फिर इधर से अगर आपके पास स्केल है तो स्केल का यूज़ ज़रूर करिएगा। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक स्ट्रेट लाइन और आपको यहाँ पे जस्ट इसी के बगल ड्रॉ करना होगा। ऊपर की तरफ आप ऐसे एक वी लेटर लिखिएगा। वी लेटर लिखने के बाद बीच से एक लाइन आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। और आगे की तरफ हम यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हल्का सा हाफ सर्कल बनाते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ कर दीजिए। सेम प्रोसेस हम इधर भी ऐसे। और दोस्तों आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है झांसी की रानी का पूरा नाम क्या था और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिएगा इधर से आपको करना क्या है, हल्का सा यहाँ पे आगे की तरफ इस लाइन को बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे देखिएगा एक ओवल शेप ड्रॉ करना होगा। इस तरह आप ऐसे ओवल शेप ड्रॉ कर देंगे। एक हल्की सी लाइन यहाँ पे बढ़ाइएगा, एक लाइन यहाँ पे आप हल्का सा दूर करते हुए करिएगा। फिर इसको हमें ऐसे नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पे लाकर ऊपर के साइड में मिला देना होगा दोस्तों। यहाँ पे हल्का सा हाफ सर्किल बना दीजिएगा, यहाँ से आप ऐसे नीचे की तरफ कर दीजिए। ये हो गया हमारा। अब देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे बनाएंगे झांसी की रानी की
आई। आई कैसे बनेगा इसको ध्यान से देखिएगा। पहले आप इधर से एक हाफ सर्किल बनाइएगा, ये हो जाएगा हमारा सेम प्रोसेस। हम इधर भी रिपीट करेंगे, हाफ सर्किल बना देंगे। नीचे के साइड में आपको हाफ सर्किल बनाते हुए ऊपर के साइड में ले जाना होगा, सेम प्रोसेस हम इधर भी ऐसे रिपीट कर देंगे। एक सर्किल बनाइए, इसको पेंसिल की हेल्प से बना रहे हैं तो पेंसिल की हेल्प से, नहीं तो मार्कर की हेल्प से आप ऐसे डार्क कर दीजिएगा। डार्क करने के बाद यहाँ से आप ऐसे आईब्रो बना दीजिए, एक आईब्रो आपको इधर से ऐसे बनाना होगा। नीचे के साइड में थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ पे भी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे भी हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब आपको इनका नोज़ बनाना है, हल्का सा हाफ सर्किल बनाइएगा, फिर अंदर की तरफ करते हुए फिर बाहर की तरफ यहाँ पे कर देंगे और ऊपर की तरफ छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इधर देखिएगा आपको वी लेटर लिखना है, फिर एक लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, एक लाइन हम ऐसे बाहर की तरफ करेंगे। फिर यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, नीचे की तरफ हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए ऊपर की तरफ यहाँ पर हम ऐसे मिला देंगे। इनका यहाँ पर लिप भी बन के तैयार हो गया। लिप बनाने के बाद अब देखिएगा, अब आपको एक यहाँ पर ऐसे सर्किल बनाना होगा। बहुत ही सावधानीपूर्वक आप सर्किल बना देंगे। सर्किल बनाने के बाद बीच में भी आपको ऐसे एक सर्किल बनाना होगा, छोटे छोटे आप यहाँ पर ऐसे सर्किल बना दीजिएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से झांसी की रानी का चित्र बनके तैयार हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों तो चलिए अब हम झांसी की रानी को पेंसिल की हेल्प से शेड भी देना सीख लेते हैं।